नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। मंत्री जल शक्ति विभाग स्वतंत्र देव सिंह द्वारा तहसील बलरामपुर सदर ग्राम नसीबगंज में राप्ती नदी पर कटान निरोधक कार्य का स्थलीय निरीक्षण किया गया। इस दौरान विधायक बलरामपुर पलटूराम, विधायक तुलसीपुर कैलाश नाथ शुक्ला, प्रमुख सचिव सिंचाई अनिल गर्ग, जिलाधिकारी पवन अग्रवाल, पुलिस अधीक्षक विकास कुमार उपस्थित रहे। निरीक्षण के दौरान मंत्री जी ने उन्होंने ग्रामवासियों से वार्ता की एवं बाढ़ से पूर्व सुरक्षा का विश्वास दिलाया। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा बरसात से पहले कटान विरोधी कार्य एवं तटबंधों के सुरक्षात्मक कार्य पूर्ण कर लिए गए हैं, जिसके फलस्वरूप राप्ती नदी के विकराल रूप के बावजूद सभी ग्राम एवं आबादी सुरक्षित है। उन्होंने बाढ़ खंड के अधिकारियों को तटबंधों की सतत निगरानी किए जाने का निर्देश दिया। राप्ती नदी का जलस्तर बढ़ने से प्रभावित ग्रामों में बाढ़ राहत एवं बचाव कार्य युद्ध स्तर पर किए जाने का भी निर्देश दिया। इस दौरान सहायक अभियंता बाढ़ खंड आशीर्वाद नाथ अंचल व अन्य जनप्रतिनिधिगण, अधिकारी कर्मचारीगण उपस्थित रहे। संवाददाता प्रमोद पांडे की खास रिपोर्ट। माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा कई बार वर्चुअल मीटिंग हो चुकी है डीएम के साथ और राज्य के सभी प्रमुख सचिवों के साथ, जो बाढ़ से संबंधित विभाग हैं, राहत कार्य से लेकर एनडीआरएफ टीम एंड प्रशासन के साथ भी माननीय मुख्यमंत्री जी की बैठक सब हो चुकी है। उसकी तैयारी भी सभी विभागों की है और सिंचाई विभाग के द्वारा वर्तमान में 338 परियोजनाएँ राज्य के अंदर चल रही हैं, जो सभी परियोजनाएँ लगभग 250-250 के ऊपर परियोजनाएँ पहुँच चुकी हैं। कुछ परियोजनाएँ हमारी जो 90 और 80% पूर्ण हो चुकी हैं, वो अभी अब पूर्ण हो गई होंगी। शेष कुछ परियोजनाएँ बहुत कम मात्रा में, जो 50-60% के ऊपर, लेकिन बाढ़ से सभी परियोजनाओं के कारण जहाँ जहाँ चली हैं वह गांव सुरक्षित हैं और आबादी भी सुरक्षित है और ज़मीन भी सुरक्षित है, तो ज़्यादा से ज़्यादा जनधन हानि की हानि ना हो, इसलिए बाढ़ में जो भी परियोजनाएँ हैं वह चल रही हैं ठीक ढंग से, उसके कारण गाँव सुरक्षित है। लेकिन इस बार एकाएक अभी नेपाल में, उत्तराखंड में और उत्तर प्रदेश में लगातार 4-5 दिन बम्फर बारिश होने के कारण एकाएक राप्ती में और सरी में सबों में एकाएक पानी जाने के कारण जल भरा और थोड़ा संकट हुआ। उसी कारण क्षेत्रों का हम लोगों को दौड़ा है और वास्तव में प्रशासन भी सतर्क है और विभाग भी सतर्क है, क्योंकि जो घटना हमारे डीएमएसपी यहाँ के भी रात दिन लगे रहते हैं और श्रावस्ती में भी देखा कि डीएमएसपी वह 12 परिवार के कई सदस्य जो पर्वत तोड़ने के लिए गए थे और वास्तव में उसका मोबाइल काम किया और किसी तरह 100 नंबर पर डायल करने के कारण पुलिस वाले मौके पर पहुंचे और दोनों तरफ से टार्च लगा कर ढूंढना शुरू किए और एनडीआरएफ और पुलिस प्रशासन और डीएम की टीम लगकर उन सभी को सुरक्षित बाहर निकालना, क्योंकि वो बीच में फंस गए थे। दोनों तरफ से एक साइड से पानी चल रहा था राप्ती का, लेकिन दूसरे साइड से भी चलने लगा, इसलिए फंस गए। इसलिए हम लोग सतर्क हैं और कोशिश कर रहे हैं कि किसी का नुकसान ना हो, ज्यादा ना निकल, इसलिए क्षेत्रों का दौरा हो रहा है। लगभग पूर्वांचल बाढ़ के समय कठिनाई रहता, बलिया, आजमगढ़, मऊ, गाजीपुर, इधर आपका देवरिया है, कुशीनगर है, बस्ती है, महाराजगंज है, सिद्धार्थनगर है, गोरखपुर लेते हुए आपको गोना, बरासी, बहराई, श्रावस्ती और बलराम, ये इलाका थोड़ा सा बाढ़ के समय रहता है। तो हम लोग सतर्क, हमारे प्रमुख सचिव साहब भी इस समय यहाँ पर मौजूद हैं, विभाग के सभी अधिकारी भी इसी बेल्ट में दौड़ा कर रहे हैं, किसी प्रकार का नुकसान ना हो, इस कारण हम लोग यहाँ पर आए। माननीय मंत्री जी, मुख्यमंत्री जी का स्पष्ट आदेश है कि जनहानि होने पर 24 घंटे के अंदर अंदर उनको मुआवजा दिया जाए। प्रदेश में कितनी जनहानि हुई है, खास करके जैसे बलरामपुर में ही? अभी ऐसा कोई जनहानि नहीं, लेकिन बाढ़ में जो हुआ है, थोड़ा सा बाढ़ में हुआ है, कुछ लोग डूब गए, उनका भी लोगों ने देखा, यहाँ पर लोग, एक घटना हुई है यहाँ पर, दो लोग डूब गए थे श्रावस्ती में, लेकिन दोनों का शव मिल गया और इस प्रकार की कोई जनहानि, लेकिन सरकार सतर्क है, चाहे पैकेट का भोजन वितरण करना हो, चाहे एनडीआरएफ, चाहे प्रशासन की टीम है, वो लगी हुई है। ऐसा कहीं अभी इस प्रकार का अन्य क्षेत्र में, लेकिन श्रावस्ती टूटी हुई में थोड़ा भराव हो गया है पानी का, तो यहाँ के प्रशासन, डीएमएसपी, कमिश्नर से लेकर सभी सतर्क हैं और मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ
ऐसा आपको भी लगता है कहीं ऐसा सूचना देंगे तो 24 घंटा सड़क पर हैं और रात दिन भी हमें ज़रूरत पड़ेगा तो प्रशासन जनता जनार्दन का सहयोग करने के लिए तैयार है। किसी प्रकार की कठिनाई हमारे जनप्रतिनिधि भी रात दिन परिश्रम कर रहे हैं और यार्ड के पलटू राम जी हमारे विधायक जो रहे वो भी साइट तुरंत पहुँचते हैं कहीं ऐसी होती है तो इसलिए सभी अधिकारी लगे हैं और जनप्रतिनिधि भी लगे हैं। तो सर पूरा विश्वास दिलाता हूँ कि आप जनता जनार्दन की किसी प्रकार की कठिनाई इसमें सभी का सहयोग मिलता रहे यही मेरा निवेदन। अभी शुरुआत है कई रोड बंद हो चुके हैं। हाँ मुख्यालय पिछले बार में 22 में आया था। यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता, सिर्फ और सिर्फ बने रहिए न्यूज़ 9 भारत पर। अब चाहूंगा इजाजत, नमस्कार।